वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर मीना, प्रैक्टिस इन पुणे महाराष्ट्र सिंस मोर देन 13 इयर्स। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपने डेंटल फिलिंग कराई है और उसके बाद आपको पेन होता है तो उसका क्या मतलब होता है एंड उसका क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन होता है और ऐसा क्यों होता है। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि एक ऐसा क्वेश्चन है मुझे हमेशा पूछा जाता है कि मैम फिलिंग के बाद दर्द हुआ तो क्या हुआ, या फिर कभी किसी ने फिलिंग कराई हो तो मुझे कमेंट करके पूछते कि मैम मैंने फिलिंग कराई है और अब मुझे दर्द हो रहा है तो क्या करें और इसका क्या मतलब होता है। तो आज इस वीडियो में मैं डिटेल में बात करूंगी कि फिलिंग के बाद अगर दर्द हो रहा है तो उसका क्या रीज़न होता है एंड उसका ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या होता है एंड क्यों ऐसा दर्द होता है। तो पूरा साइंटिफिक तरीके से आपको समझाने वाली हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड हिट द बेल आइकन ताकि मेरी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। एंड इफ़ यू वॉन्ट यू कैन फॉलो मी इन इंस्टाग्राम ऑल्सो, माई इंस्टाग्राम हैंडल और माई इंस्टाग्राम आई डी इट्स मैंशन बिलो, सो यू कैन फॉलो मी इन इंस्टाग्राम ऑल्सो। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। डेंटल फिलिंग एक ऐसी चीज़ है जो रेगुलरली हम लोग करते हैं। हर दूसरे तीसरे पर्सन के माउथ में कैविटीज होती है एंड उनमें फिलिंग कराना पड़ता है। लेकिन आज हम जानते हैं कि दर्द क्यों होता है फिलिंग के बाद। तो सबसे पहले उस वो जानने के लिए हमें जानना पड़ेगा कि दांत में फिलिंग जब हम कर रहे हैं तो दांत की किस पोजिशन में फिलिंग है एंड कितनी डीप फिलिंग है। जी हाँ, जैसे कि ये फोटो आपको दिख रही होगी कि दांत की 3 लेयर होती है। तो जो आउटर लेयर होती है उसको इनेमल, मिडिल लेयर हम डेंटिन बोलते हैं और इनर मोस्ट लेयर में पल्प होते हैं यानी कि नस होती है। फिलिंग की जरूरत तब पड़ती है जब हमारी कैविटी, जो हमारा कीड़ा होता है, जो सड़न होता है, वो इनेमल में और डेंटिन में गया हो। तो उस टाइम पे हम पेशेंट को कहते हैं कि फिलिंग करना पड़ता है। कभी कभी क्या होता है, कैविटीज बहुत ज़्यादा डीप होती है और पेशेंट को कोई सिम्टम्स नहीं होते। वो ऐसे दिखता है कि ऑलमोस्ट टच कर रहा है नर्व्स को, लेकिन पेशेंट को कोई सिम्टम्स ना होने की वजह से तो कभी कभी डेंटिस्ट उसको ऐसे ही फिल कर देते हैं। डेंटिस्ट ऑलरेडी इन्फॉर्म कर देते हैं कि आपके दांतों में बहुत डीप कैविटी है, जो कीड़ा लग चुका है बहुत ज़्यादा है, तो अगर कभी पेन हुआ तो हमें फिलिंग निकालनी पड़ेगी। डीप जब कैविटीज होती है तो उनमें पेन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि हो सकता है कि नर्व्स को इन्वॉल्व कर रही हो एंड वो एक्सरे में विजिबल नहीं होता है। तो जब आप फिल कर देते हैं, जब हम फिल कर देते हैं तो उसके बाद पेशेंट को पेन स्टार्ट हो जाता है। तो ये इमिडिएटली भी हो सकता है और कुछ दिनों के बाद भी हो सकता है। कभी कभी इमिडिएटली ऐसा हो जाता है कि पेन हो गया विद इन 24 आवर, तो उस टाइम पर फिर हमें फिलिंग निकाल के पेशेंट को रिलीफ महसूस होता है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो उसके पीछे का रीज़न क्या होता है। तो एक ही रीज़न होता है कि दांतों में जो इन्फेक्शन है वो आपकी नर्व तक पहुंच गया है, जो कि एक्सरे में ऐसा नहीं दिख रहा होता है। एक्सरे में कभी कभी होता है कि थोड़ा सा बचा है नर्व में पहुंचने के, वो इन्फेक्शन नर्व तक पहुंच चुका होता है एंड उस टाइम पे पेशेंट को पेन होता है अगर हम उसे कैविटी को फिल कर दिया। अगर हम कैविटी ओपन रखते तो पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि जो इन्फेक्शन है वो इजिली रिलीज हो रहा है उस कैविटी से। लेकिन जैसे ही हम इन्फेक्शन को उसको क्लोज कर देते हैं, उस कैविटी को बंद कर देते हैं, फिल कर देते हैं, तो वो जो इन्फेक्शन है प्रेशर बिल्डअप करता है। जो प्रेशर बिल्डअप बन के इस तरीके से निकलता है कि उसको पेशेंट को पेन होता है। तो अगर ऐसा कुछ होता है आपको तो पहले तो आपको घबराने की बात नहीं है, डेंटिस्ट से विजिट करके जिन्होंने आपकी फिलिंग की थी उनको बता देना है एंड हो सकता है डेंटिस्ट एक एक्सरे ले ले एंड रूट कैनाल स्टार्ट कर दे। जी हाँ, उसका ट्रीटमेंट ऑप्शन रूट कैनाल ही होता है। लेकिन अभी कुछ पेशेंट्स हमसे कहेंगे कि मैम क्या हर फीलिंग में पेन होता है। जी ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है एंड हर टाइम अगर फीलिंग में पेन भी हो रहा है तो रूट कैनाल के लिए नहीं जाते था। कभी कभी पेन, दूसरा जो मेन रीज़न होता है पेन होने का, वो होता है कि अगर हाई पॉइंट्स हो, यानी कि फिलिंग में जब फिल कर देते हैं तो थोड़ा सा हाई पॉइंट्स रहते हैं, यानी जब दो दांतों को ऊपर नीचे के दांतों को बाइट किया जाता है तो कहीं पे थोड़ा सा अटक रहा होता है, यानी कि स्टोन काइंड ऑफ थिंग्स पेशेंट को फील होता है कि मेरे माउथ प्रॉपर बाइट नहीं कर पा रहा। तो अगर ऐसा फीलिंग पेशेंट को होता है तो उस टाइम पे वो फीलिंग का जो थोड़ा सा आउटर जो एक्स्ट्रा पोर्शन होता है वो निकाल दिया जाता है एंड पेशेंट को रिलीफ हो जाता है, उसको कोई पेन नहीं होता है। तो के बाद जो पेन होने का जो मेनली दो ही रीज़न होते हैं, एक तो अगर डीप फीलिंग है, डीप कैविटी है तो भी पेन होता है, या फिर अगर पेशेंट को हाई पॉइंट्स लग रहे, थोड़ा सा फीलिंग ज़्यादा है तो उस टाइम पर भी पेन होता है। तो ये आप खुद घर बैठ के नहीं जज कर सकते, कोई भी नहीं बता सकता घर पे खुद देख के कि मेरा किस वजह से पेन हो रहा। उसके लिए आपको किसी डेंटिस्ट को विजिट करना पड़ेगा। आप किसी नियरेस्ट डेंटिस्ट को पता लगा सकते हैं कि आपके पेन के पीछे का क्या रीज़न होता है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपके दांतों में अगर पेन हो रहा है तो क्यों होता है एंड इसका ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या होता है। इफ़ यू स्टिल हैव एनी डाउट यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो.